JDA की लापरवाही या मनमानी। JDA की कार्यशैली कुछ ऐसी है कि निर्दोष लोगों की मेहनत और खून पसीने की कमाई निर्मित जायज निर्माण उन लोगों की शिकायतों के भेंट चढ़ गया जो खुद अवैध निर्माण कर बैठे। रियल एस्टेट कंपनी एलान ग्रुप 550 करोड़ निवेश करेगा रियल्टी प्रोजेक्ट्स में। रियल एस्टेट फर्म एलान ग्रुप ने 550 करोड़ निवेश करेगा रियल एस्टेट में और साथ ही साथ पीवीआर सिनेमास के साथ मिलकर 18 स्क्रीन का सुपरप्लेक्स भी बनाएगा। पिछले साल एलान ग्रुप ने 7 एकड़ की जमीन खरीदी थी करीबन 120 करोड़ में। एलान ग्रुप के डायरेक्टर रवीश कपूर का ये कहना है कि वे 7 लाख वर्ग फुट की जमीन पर रिटेल एरिया बनाएंगे और करीबन 500 घर भी बनाएंगे। सहारा चीफ सुब्रत रॉय का ये कहना है कि सेबी ने जो उन पर इल्जाम लगाया है उससे उन्हें मुक्त कर दिया जाए। सहारा ग्रुप के ओनर सुब्रत रॉय का ये कहना है कि जो आरोप सेबी ने उन पर लगाया है उससे उनको बरी कर दिया जाए। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 2012 में ये आरोप लगाया था कि सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के 3 डायरेक्टर्स ने लोगों से करोड़ों रुपए लिए थे जिसकी सूची उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को नहीं दी थी। शिवसेना ने प्रॉपर्टी सौदे महंगे करने पर किया विरोध, दी आंदोलन की धमकी। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को फैसला लिया है कि गिफ्ट डीड और कन्वेंस डीड पर टैक्स बढ़ाया जाए। मंगलवार को हुई महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया कि 3% स्टैम्प ड्यूटी भरनी होगी। शिवसेना इन फैसलों का विरोध करेगी और इन्हें वापस लेने की मांग के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगी। फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट पर नहीं हो सकेगी अन्य कोई गतिविधि। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट पर अन्य कोई गतिविधि को मंजूरी देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर आईडी की याचिका को मंजूर कर लिया है। फ्री होल्ड होने की स्थिति में ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल योजना 59 के एक प्रकरण के साथ ही इस तरह के अन्य मामलों में अंतिम निर्णय कोर्ट के फैसले के बाद हो सकेगा।